नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने जनता से किया सवाल, ईमानदार चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचारी नामदार। महाराष्ट्र के अहमद नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग कर देंगे। मुझे कांग्रेस के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शरद पवार को क्या हो गया। आपने तो देश के नाम पर कांग्रेस छोड़ दी थी, अब देश में दो प्रधानमंत्री होने की बात पर आप कब तक चुप रहोगे। पीएम ने कहा कि अब आपको तय करना होगा कि देश में ईमानदार चौकीदार चलेगा या फिर भ्रष्टाचारी नामदार। कांग्रेस के बड़े नेता का इशारा, सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के रास्ते खुले। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर अजीब स्थिति में फंस गई है। एक दिन पहले दिल्ली के साथ में चार लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने वाली कांग्रेस की दिल्ली प्रभारी पीसी चाको ने इशारों में कहा कि दिल्ली में अब भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर के बीच मैच खेला जाएगा। दिल्ली अगर इस मैच को जीत लेती है तो वो टॉप फोर में जगह बना लेगी। दिल्ली ने अभी तक 6 मैच खेले हैं और उनमें 3 में जीत हासिल की है। दिल्ली के कुल 6 अंक है और वो अभी 6ठी पोजीशन पर है। अमरिंदर सिंह है पंजाब के कैप्टन, टिकट बंटवारे में दिखा दम। पंजाब में भले ही 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर विरोध चल रहा हो और नवजोत सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना कैप्टन न मानते हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में सीन अलग है। अपने पसंदीदा नेताओं को टिकट दिलाकर उन्हें साबित कर दिया है कि पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन वही है। कैप्टन की कूटनीति व राजनीतिक दबक गई ही थी कि कांग्रेस द्वारा घोषित 11 उम्मीदवारों में से 6 अमरिंदर की पसंद। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नरेंद्र मोदी, फिल्म के निर्माता। पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक को लोकसभा चुनाव के खत्म होने तक रिलीज नहीं किया जाएगा, ये रोक चुनाव आयोग ने लगाई है। अब चुनाव आयोग के फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिस पर ऐसी सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।